यूपी में इस खास तौर पर लोगों की भाषा पे कंट्रोल नहीं रहा है, राजनेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बैन तक करना पड़ रहा है। क्या रवि किशन भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? नहीं तो फिर किस तरह से स्ट्रेटजी करेंगे? मुझे पूरा देश जानता है, मुझे भाषा नहीं बोलना है। मेरी सच्चाई है कि आज मैं चौकीदार बन गया अपने उस प्रधानमंत्री के प्रेम में, अपने उस देश प्रेम में, कि हमको भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। ये लोग अपनी भाषा जो बोले, आजम खान जो बोले, और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। इन लोगों का स्तर और इन लोगों का वोट पूरा खत्म हो गया। लेकिन विकास की बजाय जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दे रखे जा रहे हैं, अली बजरंगबली, जातिवाद, धर्म और ये सब जो नफरत की बातें हैं वो रखा जा रहा है। ये आजम खान शुरू किए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा अली, और पहले उन्होंने शुरू किया ना, जब पूरा ये लोग वहां से मायावती जी शुरू किए, फिर आजम खान शुरू किए, तब महाराज जी बोले कि भैया ये सब मतलब अब भगवान को, इन लोग हमारे भगवानों का मजाक उड़ा रहे हैं, दुख हो रहा है ना। लेकिन आजम खान ने जो भाषा कही उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वाहियात है, बदतमीजी की हद है। उनको तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उनको तो निकल, जैसे 72 घंटे के लिए महाराज जी को चाहिए, चीफ मिनिस्टर साहब को इलेक्शन आयोग ने किया, इनको तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। इन लोगों को, इनको तो इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। ये जो बाकी लोग हैं वो तो खाटी राजनेता है, लेकिन रवि किशन एक फिल्म स्टार भी हैं, तो अपनी स्टाइल में आप किस तरह से चुनाव प्रचार करेंगे? भैया मैं कुछ नहीं, सच्चाई बोलना है। मैं देसी एकदम खाटी लड़का हूँ। पहली बार तो आज तक मुझे कोई गॉडफादर नहीं मिला। पहली बार जीवन में हमको मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी लोगों ने गॉडफादर के रूप में आए, मुझ जैसे लड़के को पिकअप किया। हम लोगों को कौन पिकअप किया बताओ ना? किसी ने नहीं किया, किसी ने हम लोग की आज तक लाइफ में मदद नहीं की। कितनी बड़ी बात है कि कॉमन मैन को ये पार्टी उठा रही है। दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी अध्यक्ष बन गए, आप देखिए ना कहां कहां से लोगों को उठा के, जिन लोगों को कोई छूना नहीं चाहता था। नहीं, लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि इसलिए ऐसे लोगों को उठाया गया क्योंकि वहां से हार वो पहले से मान चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि जीत के अंतर को थोड़ा पॉपुलरिटी की वजह से कम। नहीं नहीं, पगला जाएंगे लोग, इनकी ऐसी हार होगी, बौरा गए, सब बाल खजुआ रहे हैं, देख रहे हो सबका बाल खड़ा हो गया। ये लोग नारी के अपमान पर आ गए। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो तो आप महिला का, उनकी भी माताएं बहने, आजम खान के भी घर में परिवार है। हाउ कैन दे टॉक लाइक दिस? मतलब ये लोग की हार है, ये लोग पगलाए हैं, पागलों की तरह सब बौरा के घूम रहे, देख नहीं रहे हो आप? तो क्या रवि किशन जी के लिए माने कि वहां से जीतेंगे और आप कितना मार्जिन? ऐतिहासिक जीत होगी, लाखों में ऐतिहासिक। महाराज जी का सम्मान रखेंगे, मोदी जी का सम्मान, ऐतिहासिक जीत होगी, देखिएगा, हुरहुरा के जीतेंगे। ये राष्ट्र प्रेम का चुनाव है उन लोगों के खिलाफ जो देश विरोधी हैं, उन लोगों के खिलाफ जो वंशवाद में जानते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को सह दिए हैं, उन लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद को पालना चाहते हैं। तो समझ रहे हो, पूरा देश बौराया हुआ है और राष्ट्र प्रेम में मोदी जी के साथ एकदम लीन है।